अस्सलाम वालेकुम। लो जी दोस्तों, आज हम डस्का इंटरचेंज से चढ़े हैं मोटरवे पे, सियालकोट मोटरवे पे। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं लाहौर। ये मेरे साथ है चांद मुगल और ये हैं भाई मोहम्मद इसहाक साहब। ये मैंने सोचा कि आज आपको दिखाएं सियालकोट लाहौर मोटरवे डस्का से। बहुत ही शानदार शॉर्टकट बनाई है आवाम के लिए। यहाँ से अब लाहौर बहुत शॉर्टकट है, सियालकोट लाहौर। वरना कभी किसी वक्त में लाहौर से सियालकोट का फासला होता था 3 घंटे का सफ़र होता था, जो अब मोटरवे की वजह से 1.25 घंटे का रह गया है, जिसकी वजह से लोगों का टाइम भी बच रहा है और फ्यूल की बचत भी हो रही है। और यहाँ से मैं भी पहली दफ़ा जा रहा हूँ। ये देखिए नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। ये लिखा हुआ है जी लाहौर इतना गुजरांवाला 13 किलोमीटर। अच्छा, ये तो गुजरांवाला भी उतरता है। अच्छा, नार वालों आके गुजरा वाले जान लिया, सही है फिर। हाँ उतर के तकरीबन 25 किलोमीटर मतलब 17 रोड थे जो उतर दे, तो फिर यही ठीक है। ठीक हो गया जी। लो जी, इधरों दोस्त बता रहे हैं कि डस्के रोड से अगर आप चढ़ते हैं मोटरवे पे गुजरा वाला, यहाँ से नहीं जाना आपने। गुजरा वाला जो जाना है सीधा डस्के, डस्के से गुजरा वाला शॉर्टकट है। यहाँ से वो दोस्त कह रहे हैं कि दूर पड़ता है, तो सीधा आपने यहाँ से जाना है। ये आपको ठीक रहेगा लाहौर के लिए। बहुत अच्छी जनाब ये मोटरवे बनी हुई है, मगर इन्होंने छोटी बनाई है, फुल मोटरवे नहीं बनाई, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, ठीक है। बड़ा सफ़र शार्ट है। धुंध का मौसम शुरू हो गया दोस्तों, ये देखिए अब आपको धुंध नज़र आ रही होगी। ये हम नहर क्रॉस कर रहे हैं, ये BRB क्रॉस किया हमने। ये देखिए ये BRB नहर है जो हमने क्रॉस की है। सड़क बन गई ना तो सही। अच्छा, क्यों तक जागे नहीं बनी, 17 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਨਾਬ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਹੌਰ ਮੋਟਰਵੇ। ਟਸਕੇ ਸੇ ਮੋਟਰਵੇ ਪੇ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਛੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ ये अच्छा किया छोड़ी हुई है, चलो कल को ये सड़क बड़ी भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है, ये अच्छा फैसला। मगर यहाँ से फिर क्लोज की है उन्होंने, नहीं ठीक है, काफ़ी छोड़ी हुई है। फसल गंदम की फसल तैयार है, काश लोगों ने चलो इकट्ठी भी कर ली है, संभाल भी ली है, 80% संभाल ली है, 20% अभी बाहर है मुंजी की फसल चावल की। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं तो यहाँ तकरीबन 90% हो गई है। हाँ 10% है अभी, समझो 90%। और इस दवा बड़ी अच्छी रही है मुझे, इसका वजन इस दवा एक एकड़ का 45 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 45 किलो निकला है। रेट भी ठीक है, 1800-2000 है, मगर थोड़ा है। बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको कुछ दिखाते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे अपने YouTube चैनल पे कुछ चीज़ आपको दिखाई नहीं दोस्तों को, मैंने चलो आज आपको सियालकोट लाहौर मोटरवे दिखा दें। लाहौर से सियालकोट जाने के लिए बहुत शॉर्टकट और अच्छा रास्ता है, इसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त रास्ता है। इधर आए जाएँ, हाँ ये काफ़ी जगह उन्होंने छोड़ी हुई है, तो ठीक है ये जगह छोड़ी हुई है, कल को इसको बड़ा भी करना तो मोटरवे को और बड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए साथ में गांव है माशाल्लाह।
रास्ता है ये देखें। लो दोस्तों मजीद हम आपको आगे लाहौर में कोई अच्छी चीज़ आती है तो वो दिखाते हैं। सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। नारोवाल 24 किलोमीटर, लाहौर 77 किलोमीटर, गुजरांवाला 7 किलोमीटर।